गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, तो मैं आज आपको इसके बारे में जो डीसी मोटर के करेक्टरिस्टिक होते हैं और दूसरा जनरेटर के, जो जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज और शंट सीरीज वगैरह इनकी वाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। तो आइए चले हम बात करते हैं आपके डीसी मोटर क्या है। डीसी मोटर मोटर है जिसके ऊपर डीसी सप्लाई दी जाती है और वो डीसी सप्लाई से ऑपरेट होती है। तो हमारा जो आज का मेन पर्पज है वो मोटर नहीं है, हमारा डीसी जनरेटर है। तो मेरा डीसी जनरेटर के अंदर भी जो मेन टॉपिक होगा वो होगा शंट जनरेटर वाला, कि शंट जनरेटर किस तरीके से होता है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। ये नंबर वन पर हमने सप्लाई दी है डीसी, डीसी सप्लाई देने के बाद यहाँ से हमने स्टार्टर पे कनेक्ट किया है, स्टार्टर से Z1 Z2 फील्ड पे किया है और फील्ड को शंट के हिसाब से मोटर पे लगा दिया है। जब मोटर से लगाया तो मोटर मैकेनिकली कंबाइनेशन है, यहाँ पे मैकेनिकल कंबाइन है। जब मैकेनिकल कंबाइन है तो मैकेनिकल कंबाइन से जनरेटर चल पड़ता है और जनरेटर चलने के बाद उसको हमें फील्ड को देना होता है। तो सबसे पहले हमने जनरेटर से 6 टर्मिनल पे A2 को Z2 से मिला दिया है, A1 को Z1 से, और वोल्टेज लगा दिया है और एमीटर लगाया है और लोड लगाया है बल्ब के रूप में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से मोटर को ऑपरेट किया जाता है। तो हमने जो यहाँ पे सप्लाई दी है वो रेक्टिफायर दी है, तो रेक्टिफायर को ऑन कीजिएगा और रेक्टिफायर को ऑन करने के बाद हम यहाँ से रेक्टिफायर को ऑन करने के बाद हम जो हैं स्टार्टर पर आते हैं। स्टार्टर से आने के बाद जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है और हमको जब हमको सप्लाई मिलती है तो हमारी सबसे पहले जो हमें वोल्टेज मिल रहा है 253 वोल्ट मिल रहा है, 253 वोल्ट जब हम बिल्कुल लोड नहीं देते। आप ब्लैक बोर्ड पे जूम कीजिएगा कि जब हम बिल्कुल वोल्टेज नहीं देते तो वो सॉरी जब हम बिल्कुल भी लोड नहीं देते तो हमको 253 वोल्टेज मिल जाता है, और सेकंड नंबर पर जब हम लोड दे रखा है तो 0.7 एम्पियर और 200 वाट का दिया है तो 1.2 एम्पियर। इसी तरीके से कि हमको ये देखना है कि इसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज कितना घट जाता है। तो आप देखिएगा 0 वाट पर जो है 253 है और 100 वाट पर है हमारा 250 है, और जो हमने बोला है कि 200 वाट जब हमने दे दिया है लोड तो 247.5 वोल्टेज मिल गया। तो आपको ये देखने पे पता चल रहा होगा कि जिस तरीके से हम लोड बढ़ाते जाते हैं तो इसी तरीके से मान लीजिएगा ये हम लोड यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो इसी तरीके से हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पे ये मेजर करेगा वो कम होता रहता है और ज़्यादा होता रहता है। एक बार और स्टार्ट कीजिएगा ये हम यहाँ से स्टार्ट, तो देखिएगा जब हम यहाँ से लोड बढ़ाते हैं तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज घटता जाता है, और जब हम लोड कम कर देते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज हाई हो जाता है। और जो हमने जो इसके अंदर वाइंडिंग की है वो शंट वाइंडिंग की है, A1 को F1 से मिलाया है, A2 को F2 से मिलाया है, उसी तरीके से शंट फील्ड बनाया और यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमने सप्लाई के लिए दिया है। तो आई होप मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।